कौन सा प्रैक्टिस सेट ओपन करो? हाँ 19 20, हाँ 21 21। सारे प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन होगा, ठीक है ना? सारे प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन होगा, चिंता मत करो, सब कुछ होगा टाइम के साथ, सब कुछ हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 अक्टूबर से रिवीजन क्लास में आपको वापस से नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपका टेस्ट हर संडे को होगा, आपका टेस्ट लगातार होगा, ठीक है? क्योंकि टॉपिक्स बहुत हो गए ना, तो एक टेस्ट केवल सीक्वेंस का होगा, केवल रियल एनालिसिस का एक टेस्ट होगा, ओनली उसमें रियल एनालिसिस, यानी आपका अगला टेस्ट जो होगा वो रियल एनालिसिस का होगा। फिर उसके अगले संडे को भी टेस्ट होगा, उसमें सारे टॉपिक्स के मिस क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपका अब से हर एक संडे को टेस्ट होगा। कि छोड़ रखें कि लास्ट में देखेंगे। चलो तो एक काम करता हूं ना, 3 दिन छुट्टी है ना, कुछ तो करना होगा ना 3 दिन में, ऐसा थोड़ा कि खाली छोड़ दिया जाएगा। तो इस 3 दिन में 20-20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा या 30-30 क्वेश्चंस का, तो मैं टेस्ट में चेंज कर दूंगा, तो आपका 30-30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। ताकि कितने दिन, यदि 10 टेस्ट हो गया वीक में, 3 दिन 3 टेस्ट होगा ना, और उसका उसी दिन डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है? तो यदि मैं 10 टेस्ट लेता हूँ तो 300 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा ना। हाँ, आपका पूरा का पूरा क्विज कवर हो जाएगा, 10 दिन में पूरा का पूरा क्विज कवर हो जाएगा। आपका 30-30 क्वेश्चंस का वो टेस्ट होगा, जो आप क्विज दिए हो उसका 30-30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और उस 30 क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा, ठीक है ना? तो केवल क्वेश्चन क्वेश्चन ही होगा। तो ये आपका अब इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा 2-3 दिन आराम कर लो, थोड़ा 2-3 दिन आराम कर लो, तो 15 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। 15 या 16 जुलाई से मैं आपको डेट बतला दूंगा। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन पाता हूँ, अब कुछ पढ़ लिया जाए। प्लानिंग करो, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे तो जिग जैग होगा। और अभिनव सर से डाउट पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, उनको इसलिए रखा गया है। अभिनव सर से डाउट पूछो यार, किसलिए रखा गया है, इसलिए रखा गया है। अब पूछोगे ही नहीं तो रखने का क्या फायदा है? लेट पीएमएफ ये है, ठीक है? और कुछ ऐसा दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ के, कोई किया है क्या? कोई सॉल्व किया है? Yes. हो गया है? Yes. चलो ठीक है, क्या करेगी वैल्यू ऑफ के क्या होगा, यही ना? देखिए डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है। तो एक काम करते हैं यहां पर कि के माइनस वन है ना, ये कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो कंडीशनल है ना, तो कंडीशनल अप्लाई करो, तो एंड कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू के माइनस वन, यही ना? अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स के माइनस वन। क्या आ रहा है भाई, अजीब आ रहा है, नहीं इक्वल टू क्या है, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पीएमएफ है ना, ये पीएमएफ है, नहीं है तो यही पीएफ जीरो क्या होगा, पीएफ जीरो एफ ऑफ जीरो होगा ना, तो पीएफ जीरो क्या होगा, पुट कर दो यहाँ पर डायरेक्ट, लेमडा हो रहा है ना, लेमडा हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, ठीक है? अब देखते हैं, ये तो पीएमएफ है ना, दिस इज पीएमएफ, ये पीएमएफ कब होगा, जब इसके सम की वैल्यू 1 होगी, जब इसके सम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा ना, इसके सम का वैल्यू 1 होगा, तो सम का वैल्यू 1 कैसे होगा, कोई बताओ, जीपी का सीरीज होगा ना, ये जीपी का सीरीज होगा, और ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, ए की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, ये ध्यान देना, ए की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो है ना इसका सीरीज सम 1 होगा, नहीं तो होगा, क्योंकि सर दिया नहीं है भाई, पीएमएफ लिख दिया हूं, इसलिए पीएमएफ लिख दिया गया है, ताकि आप पीएमएफ का डिफिनेशन अप्लाई करो, खुद से सोचो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा फर्स्ट टर्म 1 आएगा, देखो
वन से स्टार्ट करो। देखो चीजों को दिक्कत हो रही है तो आप एक एक चीज को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, शर्म की बात नहीं है, सब कुछ लिख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन वन माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, वन, यानी लेमडा की वैल्यू क्या हो गया, वन माइनस ए हो गया। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है इनडायरेक्टली, यदि हम बात करें तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, ये दे रखा, ये दे रखा है इनडायरेक्टली। मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, कड़ी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कड़ी को कनेक्ट माने जो जो दिया उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, माने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लेमडा के टर्म में नहीं था ना, इसलिए मैं लेमडा को रिप्लेस करना उचित समझा, तो मैंने लेमडा को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ही कॉमन होगा ना, वैसे भी ये तो काट कूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो अपन क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू के माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ऑफ जीरो, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा ना, पी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, पी ऑफ जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा सिंपली ये टू बचेगा, नहीं ये सही है ना, एक मिनट ये भी हटेगा ना, ये भी चलो ऐसे ही रहने दो, टू ऑफ पी ऑफ जीरो वापस लिख दिया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू के माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू। अब वो जीपी है, लग रहा है ना कि वो जीपी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, याद होगा कि ऐसे ऐड करना इजी होता है, आज ही सुबह में बतला रहा था, आप लोग सुबह का क्लास करते ही नहीं हो, कभी इसको कितना क्लास कर, बात तो आपकी भी सही है। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, सही है ना, इंटीजर है ये, क्या है इंटीजर वैल्यू लेगा ना, इंटीजर वैसे के कोई भी रियल नंबर हो जाएगा ना, के क्या हो जाएगा कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि के को लिखा नहीं है कि के क्या है, के लिखा नहीं है कि के क्या है, ठीक है के लिखा नहीं है, तो के कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। चलो ठीक है, पहले देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आप ऐड करोगे तो आपको याद आ रहा है इसको कैसे ऐड करोगे, देखो याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रट्टा हमारे दिमाग छोड़ गया, वन माइनस ए का पावर एक्स है यही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एक्स, आपको क्या निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट होगा, एक्स इक्वल टू के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के प्लस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इनफिनिट तक जाने वाला है ना, इनफिनिट तक जाने वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वन माइनस ए इंटू ए का पावर के प्लस ए का पावर के प्लस वन प्लस डॉट 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 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस ए, देखो मैं कितना जीरो से चल रहा हूँ, कोई लोड ही नहीं है, अब समेशन करोगे तो ये आ जाएगा, यानी ए का पावर के हो गया, ऐसा मैं कराया भी था, लेकिन उस केस में मैं वन के केस में कराया था, वो वन से स्टार्ट हो रहा था, नहीं जो मैं कराया था वो वन से स्टार्ट हो रहा था, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो इसलिए अब दिमाग को जोर देने से बेहतर है कि रट्टा माने क्या ही तुक्का लगाना है, लिख लो ना क्या ही तुक्का लगाना है, ए टू द पावर इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए का पावर के इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इक्वल टू माइनस एल एन टू है, क्या ऑप्शन ऐसा कैसे आपका आ गया, ओके 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 बेस होगा ना, सॉरी हाँ सही है मैं ही गलत क्या हूं, k चाहिए ना, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा log बेस a आएगा ना यार, बेस क्या है a है, बेस a है, यहाँ से क्या हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल एन टू अपॉन एल एन ए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log, log बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, हो गया ये होगा आंसर,
माइनस एल एन टू अपन एल एन ए है क्या? कैसे आपका मैच कर गया जी? हाँ बी, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्या देना होगा? K इज इंटीजर, ठीक है ना? K इज क्या होगा? इंटीजर नंबर नहीं है ना, K क्या है? K कोई इंटीजर आएगा यहाँ से, ठीक है ना? ऐसा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि K को इंटीजर मान करके चल रहा हूँ, तो K को इंटीजर हो जाएगा, K को इंटीजर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यार इंटीजर? बात तो बोल, K की टू वैल्यू के लिए आ जाएगा ना? नहीं आ गया, वाह अब दिख गया। देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू का रूट टू का रूट टू हो जाएगा, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। नहीं इक्वल आ रहा है ना, दिख गया, यानी ए की यही वैल्यू होगी। यानी ए क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए जो होगा या तो वन बाई टू होगा, या वन बाई रूट टू होगा, या वन बाई रूट टू होगा, या वन बाई रूट टू रूट टू रूट टू होगा। इस टाइप से समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा ए एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए क्या होगा, के इंटीजर होगा, तो ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा था, अप्रोच देखो, देखो मैं कैसे किया, मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग निकाल करके आपस में ला करके कनेक्ट किया, और मैं कुछ नहीं किया। मुझे वैसे यहाँ यह करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ना, हमें कैसे पता? वो तो सीखने के बाद पता चला ना कि हमने एक्स्ट्रा काम कर दिया, हमें करने के बाद पता चला ना। तो वहां भी तो आपको नया क्वेश्चन रहेगा, कैसे आपको पता चलेगा? वहां भी तो न्यू क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है कि आप भी वहां पर कुछ एक्स्ट्रा काम कर दोगे। पॉसिबिलिटी है, जब रूम पर हो रहा है तो वहां भी हो सकता है, तो आप घबराओगे नहीं इससे, क्योंकि आप ऐसा फेज देख चुके हो, तो आपके अंदर पेशेंस रहेगा, ठीक है? अब ये नहीं कि यार हमने टाइम बर्बाद कर, बैठ करके रोओगे नहीं, आगे बढ़ोगे। तो ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मैंने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन लगाया, तो डिफिनेशन लगाते ही गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल एल्जेब्रा, सिंपल। अब चूंकि ज्योमेट्री टाइप का है, तो मुझे ये ध्यान में इतना प्रैक्टिस आप करोगे तो थोड़ा बहुत तो ध्यान में होगा ना, कि हम अब ग्रेटर देन के केस में सोचेंगे, ग्रेटर देन के केस में, क्योंकि ग्रेटर देन के केस में सम निकालना क्या होगा, इजी होगा। ग्रेटर देन के केस में सम निकालना आपके इजी होगा, पटाख से निकाल दोगे, इनफिनाइट सीरीज का सम है, फर्स्ट टर्म अपन कॉमन ले सकते हो। बाकी वाला फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना हो रहा है, ए का पावर एन माइनस वन अपन वन माइनस कॉमन रेशियो, वही उसमें मुझे दिक्कत होती है, मुझे खुद दिक्कत होती है। वाला नंबर ऑफ टर्म यानी वो जो है उस पर सेट करो, देखना वो कितना दिक्कत आएगा, फॉर्मूला लिखोगे तो पता चलेगा। अब ए का पावर एन माइनस वन लिखे, माइनस वन अपन क्या करे, माइनस वन करे, नंबर ऑफ टर्म ऐड करो, इतना झमेला क्यों लेना है भाई, डायरेक्ट ऐसा कर दो। तो ये आप सोचोगे तब ना कि क्या क्या झमेला क्रिएट हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम, झमेला मीन्स प्रॉब्लम, झमेला भोजपुरी वर्ड है, मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के जाओगे तो ना आप वहां पर पटाख से मूव करोगे, इस पर जैसे मैं यहाँ मूव कर गया कि नहीं भाई मुझे ग्रेटर देन के केस में काम करना, मुझे ग्रेटर देन के केस में काम करना। तो प्रॉब्लम्स भी सोचना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसको करते अच्छे से पढ़ना, बाकी तो सभी पढ़ रहे हैं, काफी थोड़े पढ़ रहे हो। सर मैंने थोड़ा लेट कर दिया सर, आप डायरेक्ट 21 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उससे पहले 15 सिस्टम में प्रॉब्लम था सर। भाई मैं 1 पढ़ूं अभी तो नहीं सर, प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व कर रहे हैं आप अभी? हां प्रैक्टिस सेट 1 ही बच्चे पूछे डायरेक्ट, so 15 में प्रॉब्लम। ओह 15 में प्रॉब्लम थे, ओके। तो अभी 15 क्या है? हाँ सर ट्रांसफॉर्मेशन है ना? नहीं सर जी। क्या है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है, चलो अभी ये कर लेंगे, तो खुला है तो ये बात ठीक है सर। अभी तक 21 सॉल्व नहीं किया, अभी 19 में ही है। ओके ओके
ये थोड़ा बच्चों को मैं इसलिए कह रहा कि थोड़ा देख लो, टेस्ट होने वाला है ना, तो वो सारे डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी स्टोरी वाली प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे पड़े हो? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया है क्या? देखने से बड़ा लग रहा है, बड़े इजी है। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेंशन है ना एमजीएफ, टी का कोफिशिएंट होगा ना। हाँ क्या ये सवाल नहीं हुआ सेकेंड नंबर बीटा ऐसे लग रहा था फर्स्ट? अरे भाई कुछ नहीं है, टी का कोफिशिएंट निकालना है एक्सपेंशन में, कुछ नहीं है ये। एक्सपेक्टेशन क्या है? फॉर्मूला लिखो एमजीएफ का, क्या होता है भाई? 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू टी अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल टी का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो टी का कोफिशिएंट देखना है, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा पहले इसको कैसा आ रहा है। हाँ? चेक किया ना मल्टीप्लाई करके? नहीं किया होगा आपने, तो कैसे आपसे होगा? किया तो फिर भी नहीं होगा ये पता ही तब नहीं होगा। या डिफरेंशिएट कर देते यार, हो जाता। पेन चलाओगे तब ना होगा, कि देखने से हो जाएगा, पेन चलाने से होगा। आप लोग सोचते हो ना कि डायरेक्ट बस हम सॉल्यूशन ही लिख दे, दिक्कत ये है। आधे लड़कों के साथ, आधे क्या मैक्सिमम के साथ दिक्कत ही है। ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं जो पेन चलाते रहते हैं, और जो पेन चलाते रहता है ना कहीं से क्वेश्चन हो ही जाता है। 1/2 से मल्टीप्लाई करो सब में, हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना, हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना, बस हो गया। क्या क्या बोलिए फिर से? 1 + 8/3 ये हो जाएगा। एक मिनट, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन ना कुछ गलत हुआ है ना, देखो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन बचा है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देना यार। क्या होगा? 80/2 प्लस, हाँ इसके बाद से स्टार्ट, फिर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, फिर आगे भी थोड़ा लिख लो ए क्यू टी क्यू लिख लो, अपन में कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिला यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा? 8 मिलेगा ना, 16 मिलेगा, नहीं 16 मिलेगा, तो हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर में 4 होगा। चलो 4 कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ये माइनस 80 माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 8, फिर माइनस ए क्यू टी क्यू अपॉन 48, बस आगे की जरूरत नहीं। ये इससे कैंसल आउट हो गया, फिर ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन होकर के कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा? यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 80 अपॉन 16, ठीक है, प्लस 18 अपॉन 16, और क्या होगा बताइए? यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/8 माइनस 80 अपॉन 48। हमें और किसी से मतलब ही नहीं है, हमें और किसी से मतलब ही नहीं है, इसमें भी इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका यहां तक बस हो गया। टी का कोफिशिएंट देखिए कहां क्या मिल रहा है, ये 2 है प्लस 80 अपॉन 2 माइनस 80 अपॉन 6 और माइनस 8, इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। देख लेना कहीं कैलकुलेशन गलत होगा तो बतलाना, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मिलता है। हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी का कोफिशिएंट
a अपॉन टू माइनस a अपॉन सिक्स कितना हो जाएगा a अपॉन थ्री ना, सही है a अपॉन थ्री। क्या था भाई इसमें दिक्कत, अब इससे भी इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा था, कहां पर दिक्कत आ रही थी आपको? हां सर हो गया था, मैंने ऑप्शन लिख दिए, मैं उसको बीटा भी सेट कर दी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। हां तो कभी कभी ज्यादा नॉलेज ना बड़ी खतरनाक होता है। अच्छा तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये जानबूझ करके दिया गया था आपको ताकि आप डाइवर्ट हो चीजों को लेकर के, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई भी बुक कर लो ठीक है ना, लेकिन बुक भी करना है क्योंकि वो आपको थोड़ा ग्राउंड से जोड़े रखेगा, जमीन से जोड़े रखेगा, जोड़ना मतलब कनेक्ट करके रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राई करना फिर से अपना। ये हो गया है क्या थ्री नंबर, थ्री नंबर हो गया है, सोचो कि आपका टेस्ट का ही डिस्कशन होगा, वैसे टेस्ट में भी दिया जाता तो हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि करा दूं यार, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं कराया हूं ना, केवल पढ़ाया पढ़ाया था। ठीक है, एक्स का है बाइनोमियल है ए एम के, ये डिफाइन है भाई, then which of the following is true for this, okay amk, तो amk निकाल लो यार, इसकी इसका इसका probability निकालना है, निकाल लो क्या है, यानी इसको simplify करना है, मुझे लग रहा है 2m का factorial upon m का factorial into m का factorial, नहीं कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पर आएगा ये, देखना ये कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ये देखना ये ना ये चीजें आप ध्यान देना, ऐसी गलती में जेई में किया था ठीक है ना, ऐसे लिखने में गलती कर दिया था, इसको इसके नीचे मान लिया था और इसको ऊपर लेकर के चला गया था, तो ये भी एक मिस्टेक का पार्ट है कि आप एग्जाम में ऐसे लिखे हो, ऐसे लिखे हो फोर, ये वन बाई टू इसका है, पता चला कि ये टू बाई फोर मान लिया है, तो ये आपने उसको ऊपर कर दिया तो ये फोर बाई टू हो गया जबकि वन बाई एट होता, तो देख रहे हो ना थोड़ी सी लापरवाही कितना नुकसानदायक हो सकती है, तो देखना अमिताभ बच्चन का ब्लॉग आई देखते हैं, थोड़ा बहुत आता है इससे रिलेटेड, तो आराम से कोई जल्दी नहीं, देखा यहाँ पर मल्टीप्लाई देना, यहाँ पर मत दे देना गलती से, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये हम इसके लिए लिखे है, इसके लिए लिखे, तो इतनी भी छोटी होती है, होती है परीक्षा दोगे तब ना, एग्जाम दोगे तब ना पता चलेगा कि कैसे कैसे मिस्टेक्स होते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है 2m, यहाँ r होता है ना, r की जगह पर क्या हो जाएगा, r की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा m प्लस k का फैक्टोरियल, क्या क्या आ रहा है भाई, और 2m माइनस n यानी m माइनस k का फैक्टोरियल, वाओ, और यहाँ a इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b मत कर देना, कॉमन कॉमन नहीं चलता है फैक्टोरियल में, कॉमन कॉमन नहीं चलता है, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, और 1 बाई टू है ना, तो 1 बाई टू का पावर क्या आ जाएगा फाइनली 2m आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना वन अपॉन जब टू जब होता है, जब p की वैल्यू वन बाई टू होता है तो सिमेट्रिक होता है, जब p की वैल्यू वन बाई यानी वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माने वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट जो भी पॉइंट है चेक करना होगा किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो वो तो ऑब्वियसली जीरो के अबाउट नहीं होगा, किसी के अबाउट होगा, तो एक्सपेक्टेशन निकाल लेना, वहां से पता चल जाएगा, पूछेगा कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना n into p, तो p की वैल्यू 1 by 2 और n का वैल्यू जो भी है, तो ये डिपेंड करेगा ना, कभी कभी एक्सपेक्टेशन बीच की भी वैल्यू देती है ना, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना, तो सिमेट्रिक
एक्सपेक्टेशन एन इंटू पी, और मान लो कि यार बाइनोमियल में तो यार इंटीजर इंटीजर्स होती है चीजें, लेकिन सिमेट्रिक होती है, इफाइन वन लीफ होता है, ये ध्यान रखना ठीक है, इस पर हम कभी बहस कर लेंगे। सोचना कैसे हो रहा है, एन इंटू पी तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, सिमेट्रिक ही होता है ना, लेकिन वो कंटिन्यूअस के केस में था ना इजीली, ठीक है ना, सिमेट्रिक वाला उस कंटिन्यूअस के केस में, तो डिस्क्रीट के भी केस में तो होना चाहिए यार। डिस्क्रीट वाला थोड़ा सा लोचा करता है, हमेशा वो पॉइंट नहीं आता है, जैसे कि यहाँ नहीं आ रहा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या रहा है एन इंटू पी, यदि एन ऑड रहा तो एन ऑड रहा तो कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे इवन, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है, वहां दो दो पॉइंट हो जाता है, नहीं जब इवन नंबर ऑफ टर्म होता है तो सिमेट्रिसिटी के दो दो पॉइंट होता है, दो दो पॉइंट होता है, तो ऑड इवन ये थोड़ा डिस्क्रीट में लोचा है, तो जब एन इवन होगा ना तो क्या हो जाएगा डिस्क्रीट माने सिमेट्रिक हो जाएगा, एन पी के अबाउट क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा एन इंटू पी के, तो ऐसा हम दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम में। अब बाइनोमियल दिया है और सिमेट्रिसिटी पूछ दिया, अब आपका समझ में नहीं आ रही यार क्या करें क्या करें, यार आपके ध्यान में है ना कि एक्सपेक्टेशन के बहुत सिमेट्रिक होता है, पटाक से एक्सपेक्टेशन निकालो, एन इवेन दिया रहेगा आपको उसकी चिंता नहीं करना है, एन इवेन दिया ही रहेगा तो एन इंटू पी कर देना तो निकल गया जो भी। हाँ तो मैं यहाँ पर था तो टू टू द पावर एन ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना यार, तो देखो ये काट कूट हो गया, फोर का पावर एम, फोर का पावर एम टू को अंदर लेकर गया होगा ना, तो फोर का पावर एम हो जाएगा, तो ये काट कूट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, वाह मजा आ रहा है कैंसल करने में, तो अब क्या होगा देखना, ध्यान देना कौन सी चीजें किधर जा रही है बतलाना, तो अब कैसे होगा मतलब कैसे कैसे लिख दिया, ये तो इसका लिखा हो ना तो ये नीचे आएगा ना और ये ऊपर जाएगा, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा m का फैक्टोरियल इनटू m का फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो रहा है m प्लस k का फैक्टोरियल इनटू m माइनस k का फैक्टोरियल, सही है क्या मतलब, तो सही लिखा हो ना, ठीक है। अब देखिए अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी भाई, तो यहाँ पर एक चीज करते हैं, यहाँ पर k इक्वल टू कुछ दिया नहीं है, काम करें यार, क्यों हम जनरल करें, क्यों तामझाम करें, k की वैल्यू फिक्स है ना, तो हम दिमाग नहीं लगा देंगे, k इक्वल टू वन के लिए नहीं, k इक्वल टू वन के लिए जीरो, k इक्वल टू वन के लिए माइनस टू, k इक्वल टू वन के लिए जीरो, k इक्वल टू माइनस वन, k इक्वल, हाँ चारों ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है यार, k की वैल्यू वन चूज कर लो, पुट k इक्वल टू वन, हमें कैलकुलेट करना नहीं, क्योंकि बैठ करके ज्ञान देना है, तो m अब m को मत पुट कर देना क्योंकि m टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है ना, m टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी है, m टेंड्स टू इंफिनिटी है, m टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो m में ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान k के साथ हम लगा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन k पर डिपेंड कर रहा है, तो m का फैक्टोरियल m का, वाओ अब कोई जनरल कर रहा होगा तो देते रहो अपना ज्ञान, और कोई कोशिश करके दो सेकंड में निकल जाएगा, हो गया, जब इसके लिए हो जाएगा तो जनरल भी हो जाएगा, इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है यार, तो ये क्या हो जाएगा यहां से एन प्लस वन, एन प्लस वन कहां तक होगा यार, ये एन प्लस वन तक ही होगा ना, हाँ एन प्लस वन और ये एम माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा, अब लिमिट लगाना है ना, ये बचेगा, अब लिमिट लगा दो, लिमिट एम टेंड्स टू इनफिनिटी, यानी अलग अलग फ्रेम में क्वेश्चन को सोचना था, बाकी कुछ था नहीं, क्या आप इसका लिमिट निकालने नहीं जानते हो, वन टू दी पावर इनफिनिटी, नहीं सर यहाँ लिमिट अलग होगा, करते रहना अलग होगा, ठीक है ना, भूल जाना वहां पर कि यहाँ इसका लिमिट अलग होगा, हम इस टाइस में लिमिट पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा e का पावर माइनस टू, n by n plus 1 क्या गलत है क्या,
एम है यहाँ पर, एम एम बाई एन को चलो एम कर, चलो एम कर। इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। नहीं अब चेको के की वैल्यू पुट करो भाई, यहाँ फेल के की वैल्यू, ये पास, ये फेल, चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट आ गए, सब सेम आ जाता तो कोई बात नहीं, के की वैल्यू टू लेकर के कर देते, इसके बाद एक फिल्टर हो जाता, हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, यानी लिमिट भी पूछ लिया, बाइनोमियल भी पूछ। और ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या बतलाया हूं कि जब भी एक टॉपिक का एप्लीकेशन दूसरे टॉपिक में होता है तो केवल डिफिनेशन पार्ट यूज करता है, बाकी कुछ नहीं करता। तो ये किसको नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी निकाल, ये किसको नहीं आता है प्रोबेबिलिटी निकाल। नहीं सर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बोल दिया आप, ऐसा थोड़े मुझे बतलाया। अरे भाई पहले लिख करके तो यार देख लो, सिंप्लीफाई तो करो, ब्रेक तो पहले करो यार, नहीं होगा तो कोई बात नहीं पहले, लेकिन काम एक काम तो करो, ब्रेक तो करके देखो, यहाँ तो पहुंचो तो सही, और पहुंच जाओगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हो जाएगा। जैसे यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी तो आगे गाड़ी थोड़ी रुक रही है, ऐसा तो कुछ रुकने जैसा आ ही नहीं रहा है, बस यहाँ पर आकर के थोड़ा इंजन रोल हो गया, तो मैंने भी थोड़ा दिमाग लगा दिया कि चलो भाई किए कि वैल्यू वन पुट कर दो। सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे थे, फिर भी मैंने दे दिया आप लोगों को असाइनमेंट टेस्ट के लिए, सारा था पूरा मेहनत हुआ था टेस्ट के लिए, रात भर जग जग। अच्छा हुआ कि भाई वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ था, इसीलिए शायद नहीं हो पाया, कंटिन्यूअस पिछले क्लास में हो जाता खत्म तो आपका टेस्ट भी हो जाता और डिस्कशन भी हो जाता। जैसे क्वेश्चंस यहाँ मिल रहे हैं ना वैसे एग्जाम में भी आपको मिलेगा, बस आपका माइंड ओपन हो। ये सब क्वेश्चंस करने से क्या होगा, आपको डायमेंशन पता चलेगा और उस डायमेंशन का आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प मिलेगा। तो मेन चीज हम क्वेश्चंस इसलिए करते हैं कि हमें उसका डायमेंशन पता चल जाए, उस कंसेप्ट से रिलेटेड डायमेंशन पता चल जाए, ताकि हम जब वहां पर अप्रोच करेंगे तो हमारे अंदर वो डर ना हो कि हम गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं। आधे लड़कों आधे क्या 99.99% यानी 99 ही कर दो ठीक है ना, 99% लड़कों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो मैं अप्रोच ले रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में या जब टेस्ट दोगे तो आप खुद फील करोगे, जो प्रैक्टिस करे वो तो कम फील करेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे जो ज्यादा होशियार बनेंगे हम एक साथ ही पूरा पूरा खत्म कर देंगे, तो वो तो दिन आने से रहा, वो दिन कभी आने वाला नहीं है कि आप एक साथ बैठोगे पूरा खत्म कर दोगे, उस समय कोई और हो जाएगा, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा तो और लेना का देना हो जाएगा ठीक है, तबीयत खराब हो सकती है, घर में किसी की प्रॉब्लम हो सकती है उसके चलते डिस्टर्ब हो सकते हो, तो कई तरह के रीजंस हो क्रिएट हो सकते हैं। तो जब फ्यूचर के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना तो सारा तहस नहस हो जाएगा, तो इसलिए बेटर अभी है कि जब अभी समय आपका अच्छा चल रहा है तभी जम जम के मेहनत कर लो, क्योंकि एक बार तो तबीयत खराब होनी है ये तो श्योर है ठीक है। जैसा आजकल का खाना पीना है या मौसम है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक बार आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन हाँ यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो शायद ही खराब होगी, शायद ही तबीयत खराब होगी ना के बराबर। जो मेहनत करने वालों को तबीयत खराब नहीं होता, जो टाइम काटते हैं ना मेहनत के नाम पर तबीयत उन्हीं का खराब होता है ठीक है। आते हैं आप, अब ये क्या कर रहे हैं कि x भी क्या है, क्वाइन है, गेट फर्स्ट है ठीक है ना, x भी द नंबर ऑफ टॉस फेयर क्वाइन टू गेट फर्स्ट हेड, यानी ये क्या कर रहा है, एक तरह की ये बाइनोमियल है ना, सॉरी बाइनोमियल कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक है ना, फर्स्ट कब मिलता था ज्योमेट्रिक के केस में ना, yes, हाँ ये ज्योमेट्रिक है, और y given x equal to n is distributed as binomial n comma ये है, ये पैरामीटर है, तो probability of y equal to 1 क्या होगा, तो ये मैं कुछ बतलाया हूँ इसमें, नहीं
ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना, जब ये ज्योमेट्रिक हो, याद आ रहा है कुछ, जब वाई ज्योमेट्रिक हो, ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिक फॉलो करे, तो ज्योमेट्रिक क्या फॉलो करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 1/2 फॉलो करेगा ना, ज्योमेट्रिक 1/2 फॉलो करेगा या हाँ, ये ज्योमेट्रिक 1/2 होगा फर्स्ट हेड, फर्स्ट हेड। अब ये करे कि y गिवन x इक्वल टू n इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज बाइनोमियल, ये है, ये है, ठीक है भाई। और मान लो कि इन जनरल लगे तो हम क्या ही करेंगे, सब कुछ याद थोड़े रहेगा, तो कुछ ये है, ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, ये क्या करे इफ इतना इज बाइनोमियल n कॉमा 1/2 फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x y इक्वल टू 1 क्या होगा, यही ना, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 क्या होगा, y इक्वल टू 1 करते इसको, इसको y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यदि y का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया तो काम हो जाएगा, तो y को डिस्ट्रीब्यूशन ये चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना कि ये क्या है, x ज्योमेट्रिक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n गिवन 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू r, y इक्वल टू r, जैसे 1 है ना, तो यहाँ समेशन हो जाएगा ना, समेशन हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू है ना, y की वैल्यू क्या लेगा, बाइनोमियल में 0 से स्टार्ट होता है ना, एक मिनट, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये तो समेशन हो जाएगा ना, कैसे होता है यहाँ पर, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो यहाँ पर समेशन हो जाएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये समेशन हो जाएगा, ठीक है, तो समेशन किस पर अप्लाई होगा, x पर अप्लाई होगा, ये x पर अप्लाई होगा, ठीक है ना, x पर, तो x इक्वल टू यहाँ पर k ले लीजिए, और k इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, ये होगा इनटू, सॉरी y इनटू x इक्वल टू कितना हो जाएगा k, ये समझ में आया, ऐसा कराया था ना कहीं, दिखाया था टोटल प्रोबेबिलिटी का केस, हाँ अच्छा, देखो याद नहीं आ रहा था, मैं भी इधर उधर घूम फिर के ही आया, तो ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट पहुंच जाता, बस आपके पास वे पता होना चाहिए, वे पता होना चाहिए, तो जब ऐसा है तो बस हमने ऐसा सोच लिया कि अब ऐसा हो गया, तो ये आ गया, अब यहाँ तक पहुंच गया, अब देखिए, अब यहाँ पर r की वैल्यू मैं यदि मैं 1 पुट कर दूं, अब r इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, खैर चलते देखते, ये तो ज्योमेट्रिक है ना, k इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ये ज्योमेट्रिक है, और क्या है 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर n हो जाएगा ना, k हो जाएगा, 1/2 का पावर k हो जाएगा, कैसे 1/2 इंटू क्या होता है p, 1 माइनस p का पावर n माइनस 1 इंटू p होता है ना, तो 1/2 पुट कीजिएगा, n 1 से स्टार्ट होगा, n 1 से स्टार्ट होगा, जो हम ज्योमेट्रिक बतलाए वो वही है, क्योंकि सक्सेस है ना, n 1 से स्टार्ट होगा, तो क्योंकि फर्स्ट सक्सेस कर रहा था, ये क्या हो जाएगा 1/2 पुट करोगे तो n माइनस 1 इंटू 1/2, तो यहाँ 2 टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, n के जगह क्या है, k है, अब ये बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, ये बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, ये यह बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, यही मुझे थोड़ा झोलझाल लग रहा है, तो फिर भी इससे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये बाइनोमियल k है, क्या कुछ तो यहाँ गड़बड़ है ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर ना कुछ तो गड़बड़ है, बाइनोमियल ये हो गया, n हो गया, हम पुट कर क्या करेंगे, यहाँ दिक्कत हो रही है, 2 टू द पावर k हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा के,
तो देखते क्या आ रहा है, ठीक है ना, पहले चीजों को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एन आर हो जाएगा, ठीक है ना, एन आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाइनोमियल फॉलो कर रहा है ना, तो एन आर हो जाएगा, यानी एन के जगह पे यहाँ क्या है, के है ना, तो के पुट कर दो, जो पहले दिख रहा है वो तो लिखे, ये के हो गया, ठीक है, इंटू वन अपॉन टू टू दी पावर के हो जाएगा, सही है यहां तक, ये वन बाई टू ही आएगा ना, क्योंकि वन बाई टू है ना बाइनोमियल, यहाँ पर वन बाई टू है, क्या है, वन बाई टू है, तो ये आ गया, तो जैसा था वैसा लिख दिया, वाई इक्वल टू आर, ये बाइनोमियल फॉलो कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, बाइनोमियल, तो के है ना, वाई इक्वल टू क्या है, के है, सॉरी वाई इक्वल टू आर है, और वन अपॉन टू टू डी पावर के हो गया, मुझे लगा कि कैंसल आउट हो जाए, नहीं हुआ, अब यहाँ पर मुझे वाई की वैल्यू चाहिए वन, ठीक है ना, ये आ गया, अब स्टैंडर्ड को गोली मारो और पुट कर दो y इक्वल टू वन, जब यहाँ पर y इक्वल टू वन पुट कर दोगे ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, चलो y इक्वल टू वन पुट कर दोगे, यहाँ से k इक्वल टू वन से लेकर के इन्फिनिटी वन अपॉन फोर टू डी पावर k और r की वैल्यू वन पुट कर दो, k वन क्या हो जाएगा, के वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू वन से इंफिनिटी के फोर टू द पावर के, अब ऐसा ज्ञान आपको मिला है ना, सीरीज का सम निकालने सीखे हो ना, ऐसा कौन सा सीरीज है, एजीपी है ना, यह एजीपी सीरीज है ना, हो गया, वाह मैंने कर दिया, अभी इन्होंने क्वेश्चन सेट किया ये, क्या बात है यार, जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूं, उससे मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, ठीक है, बस मेरे पास अप्रोच है, अंतर यही है और कॉन्फिडेंस है, और मुझे पेन चलाने आता है, मुझे पता है कि पेन चलाने से ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मुझे पता है, और आप जिस दिन इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपसे भी क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है ना, जैसे मेरे से और आपसे होने लगेगा, डिफरेंस ले लो, ऑप्शन है, बहुत हार्ड डगमगा रहा था चलने में, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे, लेकिन फाइनली क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, फाइनली क्वेश्चन हो गया, और ऐसा मैं आपको बतलाया हूँ, ऐसा मैं लिखने आपको बतलाया हूँ, बस आपको केवल लिखना था, आपको क्योंकि याद नहीं है यार, याद थोड़ी रहेगा, ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो थोड़े कर रहा है कि याद रहेगा, जैसे यहाँ पर टू रहा था जैसे y इक्वल टू टू कर देता तो जो आपको बतलाया था ना डिफरेंशिएशन वाला, वो वाला केस बन जाता यहाँ, ठीक है ना, वो वाला यहाँ पर केस बन, क्योंकि यहाँ पर टू के केस में क्या आता है, k into k minus 1 आता, k into यहाँ k minus 1 आता उस केस में, तो आपको डिफरेंशिएशन वाले मेथड से या दो दो बार एजीपी लगाना होता तो सबसे बेहतर होता कि आप डिफरेंशिएशन वाले मेथड से इसको कर लेते, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू टू, तो अब आप y इक्वल टू टू पुट करके सॉल्व करना, जब p प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू टू क्या आ रहा है, और मुझे बतलाना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू टू क्या आएगा, समझ में आ गया ना, एक दो बार कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा
ऐसे चलते, और ये पैटर्न फिक्स है। स्टाइस का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स का माने अप्लाइड वाला एप्लीकेशन है, नहीं होता प्योर वाला एप्लीकेशन जैसे आप रियल में पढ़ रहे हो या डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े थे। ये कोई उसका ऊपर ऊपर वाला पार्ट यूज हो रहा है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो मेज नहीं होता है, ऊपर ऊपर वाला जिसमें ना कंडीशंस का टेंशन है, ना लेस देन क्या है कि ग्रेटर देन क्या है, कि स्ट्रिक्टली है कि नहीं है, कि कैसे है कि कैसे है, कन्वर्स है कि नहीं है, ऐसा कोई टेंशन नहीं, बस ऊपर ऊपर वाली चीजें अप्लाई। और इसका मॉडल फिक्स है, अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा मॉडल फिक्स है, बस आपको हमेशा यही करना है, इसका मॉडल फिक्स है, आपको यही करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, यदि ऐसा है तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ आप लिख ही नहीं सकते, वो सिंपल सी बात है, या तो याद है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जब याद ही नहीं रहेगा, कुछ ऐसा दे देगा जो पता ही नहीं रहेगा, तो हम ऐसे ही करेंगे ना, चूंकि प्रूफ थोड़े करना है, हमें क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन वाला पार्ट क्या है, इजी है, बस हो गए। कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आईआईटी जैम में ही मिलेगा, ठीक है ना, तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करो और बेसिक से सोचो, जैसे मैं सोच रहा हूँ आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, जो मेरे से हो रहा है तो यार आपसे भी होना चाहिए। इसमें एरर काफी कम होगा ना, उतना एरर नहीं होगा, बड़ी टाइम देकर के असाइनमेंट दिया जा रहा है, एक चीज चेक करके कोई बात नहीं। आपका सारा असाइनमेंट प्रूफ रीडिंग हो गया, थोड़ा सा बचा है वो भी हो जाएगा। लास्ट में मैथमेटिक्स आ गया, जब यही नहीं करना आएगा तो कुछ नहीं होगा, बच्चों को स्ट्रेस आता है यही पे आकर के फंस जाते हैं, अब आगे क्या करें, अब आगे उसको पता ही नहीं है क्या करें। चलो फोर्थ हो गया, फिफ्थ आते हैं। क्या करें, x1 x2 x3 चूजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सेट इतना, ओके ऐसा कुछ है, ठीक है, each value being equally likely, यानी probability equally likely होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है, what is the probability that the arithmetic mean of itna is same as geometric mean, अच्छा ये क्या कह रहा है, arithmetic mean जो है वो same as क्या है, geometric mean है, ये क्या पूछना चाहते हैं, हम ये करेंगे ही ना, ग्रेटर देन ये होता है, ये सेम एज कर रहा है ना, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन, अब यहाँ से आप केस निकालने के लिए बोल रहे हो यही ना, तो ये सेम कर रहा है ना, ये आपस में इक्वल कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 हो जाए, यानी m इक्वल टू gm तभी होता है जब ईच टर्म आपस में इक्वल हो जाए, ईच टर्म आपस में इक्वल हो जाए, तो ही m इक्वल टू gm होता है। जैसे आप एम ग्रेटर देन जीएम जानते हो ना, एम ग्रेटर देन जीएम आप जानते हो ना, एम ग्रेटर देन को कहोगे सर ये कैसे, ये भाई इस बार 2023 में ना सिंपल मैक्सिमा का क्वेश्चन पूछा था जो प्लस टू से रिलेटेड, ठीक है, प्लस टू वाले कंसेप्ट से हो रहा था, तो ये आपस में इक्वल तब होगा जब एम इक्वल टू जीएम दे दे, एम इक्वल टू जीएम दे दे, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू डॉट डॉट an हो जाए, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ
x1 x2 and x3 इज सेम एज ज्योमेट्रिक में, ठीक है। तो अब इसका निकाल लो प्रोबेबिलिटी क्या इसका, एक मिनट। तो अब कब कब आपस में इक्वल होगा यही निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 = x2 = x3 किस किस केस में इक्वल होगा बताइए, किस किस केस में इक्वल होगा। या तो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, तीनों वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 1 सभी हो जाए, 0 0 0 सभी हो जाए, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है ना तो प्रोडक्ट यूज होगा, इंडिपेंडेंट है ना तो प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं के कर देता हूँ, यहाँ पर के कर देता हूँ, यहाँ पे के कर देते, ठीक है ना। के यानी इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 = k इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 = k इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 = k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट। अब k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, काफी कुछ है ना, तो मैं समेशन लगा दूं, k की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो मैं समेशन लगा दूं एक साथ, k = 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्लियर है। अब ये चूंकि IID है ना, ये इक्वली लाइकली है, तो ये IID टाइप से हो जाएगा, तो तीनों को आपस में इक्वल कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो k = 0 से 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = k³ ये हो गया। अब इसको ऐड करना है, इक्वली लाइकली है तो ऐड करो, तो k = 0 पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब तो कितना आ जाएगा, 1/5 का स्क्वायर सही है ना। चलो वाह हो गया, ये भी हो गया। तो बस आपको ये जानना था कि अर्थमेटिक मीन सेम एज क्या है ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक जो मीन है वो सेम एज क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक सेम एज कर रहा है ना, ये तभी पॉसिबल है जब x1 = x2 = x3 हो जाए, यानी m = gm तभी हो पाएगा जब आपस में ईच टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो पाएगा। ये एक स्पेशल केस है, इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली, यानी ये स्पेशल केस है, m = gm तभी होगा जब ये आपस में इक्वल होगा, और जब ये आपस में सारे नंबर इक्वल होंगे तो ये क्या है, और ये पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव पहले से ही दे रखा है, ये चीजें दे रखी गई है, ये पहले से दिया रखा है, ये पहले से दे दिया गया, ठीक है, पहले से दे दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज है, थोड़ा इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको और हम अच्छे से सही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ना 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट कर दो, जान वैसे एम ग्रेटर देन जीएम 0 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, यदि एक 0 हो जाएगा ना तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक साइड 0 हो जाएगा, कोई भी इनमें से एक 0 हो जाएगा, तो ये रिलेशन ट्रू तो हो ही रहा है ना, एम ग्रेटर देन जीएम फॉल्स नहीं हो रहा, ठीक है ना, एम ग्रेटर देन जीएम क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 नहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है, यानी थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। इसको आप 1 से स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना, आप इसको 1 से स्टार्ट कर लेना, ताकि जो डिफिनीशन है m ग्रेटर देन gm का वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, तो वो हमारे डिफिनीशन ब्रेक ना हो, वो वैसे ये भी सही है, लेकिन वो हमेशा 0 आ जाएगा ना, हमेशा 0 आ जाएगा, तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, हमेशा बार बार 0 पे आके रुक जाएगा, तो इस बेटर कि आप वो कर दो, यानी इनका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए एक तरह से, माने एम इक्वल टू जीएम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना, पॉजिटिव का सम अब 0 थोड़े होगा, यदि ये 0 हो जाएगा तो देखो क्या गलती हो रही है, भले आप लोग कर लिए हो, देखो मेरा काम ही चीजों को अच्छे से करना ना, देखिए यदि x1 x2 x3 आपस में 0 हो गया, एक भी 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, उस केस में 0 हो जाएगा, तो x1 x2 x3 भी क्या लेना पड़ेगा, 0, यानी वो आपस में इक्वल ही आ रहा है, एक तरह से इक्वल ही आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना, गलत नहीं हो रहा,
वो आपस में इक्वल ही आ रहा है, आपस में इक्वल ही आ रहा है, यानी एम इक्वल टू जी एम तभी पॉसिबल होगा जब वो आपस में इक्वल होगा। तो एक इनमें से कोई जीरो भी हो जाना फिर भी सही, यानी ये भी सही है लेकिन ये भी दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये भी सही, चलो ठीक है सही है, थोड़ा नहीं है। अरे भाई तू मत लग हाथ से, चलो इसको रहा नहीं दिक्कत, लेकिन आईआईटी जब देगा ना तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, तो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पर हमने दे दिया और वैसे सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो रहा है, वो सही हो रहा है, ठीक है ना, सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मेन है कि ये कंसेप्ट एम इक्वल टू जी एम होगा, एम इक्वल टू जी एम होगा ये तभी पॉसिबल है जब ये नंबर क्या हो, आपस में इक्वल हो, आपस में इक्वल, तो इसी की प्रोबेबिलिटी यानी उस कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालना है जहां पर एम इक्वल टू क्या हो जाए, जी एम हो जाए, उस कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालना है जहां पर एम इक्वल टू जी एम हो जाए। तो वो यही केस है, तो मैंने के ले लिया, जैसे बहुत सारे केस बनेंगे, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री, और चूंकि इंडिपेंडेंट है और सभी के सब यही से आ रहा था, आईआईडी भी हो जाएगा ना, आइडेंटिकली हो जाएगा जब इंडिपेंडेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही मिलने वाला था, आईआईटी हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबको आपस में इक्वल करके क्यूब कर दे, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, ठीक है ना, दिमाग की बत्ती खोलने वाला है सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ए पर हमें कंडीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी सही है, वो भी अच्छा क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या कर रहा है भाई, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है ये है, ठीक है, यानी ये क्या एक्सपोनेंशियल है ना विथ पैरामीटर के, के ऑफ टी ये डिफाइन है, अच्छी बात है, और ये किसका है MGF, इसका MGF, तो कैलकुलेट दिस t टू द पावर r अपन r का फैक्टोरियल क्या होगा इन kt, यानी इसका एक्सपेंशन करना होगा ना, इसका एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपोनेंट वो क्या होगा, कोई MGF बतलाओ जल्दी से, एक्सपोनेंशियल का MGF क्या होता है, वन अपॉन में होता है, यहाँ पर वन अपॉन वन माइनस टी अपॉन, देखो मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में बस पावर वन रहता है, और यही जब एक्सपोनेंशियल को आप ऐड कर देते हो एन टाइम्स, और वो इंडिपेंडेंट रहता है तो वो क्या बन जाता है, वो गामा बन जाता है, एक्सपोनेंशियल को जब ऐड कर देते हैं तो गामा बन जाता है, और उस केस में यहाँ पावर एन आ जाता है, ठीक है। अब इसको उधर लेके ले करके चले जाओ, अब आप लॉग का एक्सपेंशन जानते हो ना यार, बस हो गया, एक्सपेंशन करके रिलेट कर लो, बतला दो कर क्या क्या आ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है, अरे चीजों को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया और कुछ भी नहीं, मीन्स हर एक चीज का आपको डिफिनेशन केवल पता है, तो क्वेश्चन दनादन दनादन हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा नहीं था कि पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन वही है कि अभी आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए हो ना, तो डर इस बात का था कि आप थोड़ा नर्वस ना हो जाओ, डिमोटिवेट ना हो जाओ चीजों को लेकर, इसलिए मैंने इसको रोक दिया, टेस्ट लेने से रोक दिया। ये तो इजी है ना, ये तो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। हाँ ये करा देता हूँ, इस पर भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको टेस्ट में, ठीक है, लेकिन अलग रूप प्रारूप में होगा, लेकिन क्वेश्चंस मिलेगा, बनाया हूँ काफी अच्छा अच्छा मैं भी क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है, उसमें 30 से 40 क्वेश्चंस मेरे हैं, हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि अभी आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, एक एक क्वेश्चन लिखने में जानते हो कितना लगता है टाइम, मिनिमम 30 से 45 मिनट एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है, उतना पढ़ाने में भी टाइम नहीं लगता है, तो पेपर बनाना, एक पेपर बनाने में ना आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अच्छे से पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।